सुमन देवी जी राय बरेली से आपको ये शुभ अवसर मिल रहा है। ललिता वर्मा जी लखीमपुर से, राधा सिंह जी हरदोई से, सुश्री नीता पटेल जी हरदोई से, श्री शिव कुमार जी लखनऊ से, श्री शिव कुमार जी हरदोई से लखनऊ से, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपकी करतल ध्वनि यहाँ मंच तक उनको शुभकामनाएं पहुंचा सकती है। श्री देवेश सिंह कुशवाहा जी उन्नाव से, श्री देवेश सिंह कुशवाहा उन्नाव से, सुश्री श्वेता श्रीवास्तव जी लखनऊ से, श्री विपिन कुमार यादव जी सीतापुर से, सुश्री सैयदा बानो जी लखीमपुर से, श्री संदीप कुमार दुबे जी उन्नाव से, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ जो अन्य जनपदों में नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जा रहे हैं, सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके भावी जीवन के लिए, उनके कर्तव्य पथ में निरंतर अग्रसर होने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छे नागरिकों के निर्माण की नींव प्राथमिक विद्यालयों में ही पड़ती है, और ये शिक्षकों की नियुक्ति जो हमें हुई है उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बागवा की जिम्मेदारी दी गई है, जिससे कि हम निश्चित ही वे अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। माननीय, अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन है कि आप अपने अप्रतिम ज्ञान और अनुभव से हम सब का जीवन पर आलोकित करने का कष्ट करें और अपने आशीर्वचनों से हम सबको उपकृत करने की कृपा करें। बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आज 6,696 शिक्षकों की नियुक्ति का यह समारोह है। इस समारोह में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री डॉक्टर सतीश चंद द्विवेदी जी, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा श्री दीपक कुमार जी, सचिव बेसिक शिक्षा श्रीमती अनामिका सिंह जी, महानिदेशक बेसिक शिक्षा श्री विजय किरण आनंद जी, बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में उपस्थित मेरे सहयोगी मंत्रीगण,
माननीय सांसद और विधायकगण और जिनके लिए आज का इस समारोह आयोजित किया गया है, नवनियुक्त सभी शिक्षक भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले आप सबको एक पारदर्शी शिक्षक भर्ती की इस प्रक्रिया के पूरे होने और नियुक्ति पत्र ग्रहण के आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। और इस पूरी प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न करने के लिए, योगदान देने के लिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर देशिक शिक्षा परिषद की स्थिति कितनी दयनीय थी। एक 135,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय पूरे प्रदेश में थे, लेकिन उन विद्यालयों की स्थिति दयनीय थी। भवन जर्जर थे, भवन है तो शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो छात्र नहीं है, छात्र हैं तो वहां पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, और अगर छात्र हैं भी तो उनके पास न यूनिफॉर्म होती थी, नंगे पैर गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता था, पूरा विभाग ट्रांसफर पोस्टिंग और इसके माध्यम से वे तमाम प्रकार की गतिविधियां वहां संचालित होने लग गई थी, जो शिक्षा के लिए सबसे बड़े कलंक थे। पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण न्यायालय को भी इसको बार बार स्टे करना पड़ा था, और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था, उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, जब हमारी सरकार अपने कार्यकाल के 52 महीने यानी 4 वर्ष 4 महीने का कार्यकाल अपना पूरा कर चुकी है, तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी, और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। ईमानदारी और शुचितापूर्ण तरीके से भर्ती की प्रक्रिया का संपन्न होना आप जैसे युवाओं को भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित हुआ। आज वही कारण है कि बुरा उन लोगों को लगेगा जिन लोगों की अवैध कमाई का जरिया बंद हो गया है। कोई भर्ती निकलती थी तो झोला लेकर के निकल पड़ते थे वसूली में, लेकिन आज उन्हें मालूम है कि झोला लेकर निकलेंगे तो हमारी एजेंसियां भी उसके लिए सतर्क हैं, और हमने जेलें भी खाली करवाई हैं, काफी इसीलिए खाली करवाई है जिससे ऐसे लोगों को
जो प्रदेश के नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते थे, भर्ती की प्रक्रिया को कलंकित करते थे, उन सब के खिलाफ कठोरता पूर्वक कार्रवाई की गई और अब परिणाम सामने है। आज हम बड़ी से बड़ी परीक्षाएं भी संपन्न कराते हैं, तिनका भी नहीं हिलता। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं हिलेगा, पूरे ईमानदारी के साथ। और पहले से इस बारे में कह रखा है हमने, इसीलिए टीईटी को भी ये व्यवस्था बनाई है कि अब 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन होगा। जो एक बार टीईटी पास करेगा तो उसकी मान्यता आजीवन रहेगी। सरकारी व्यवस्था में, निजी क्षेत्र में या स्वयं के अपने संस्थान को संचालित करने के लिए उसकी योग्यता पर हम प्रश्न क्यों खड़ा करेंगे? और ये प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। लेकिन जिनको ये पारदर्शी व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही वे लोग उसको करेंगे, उसको बोलेंगे और उनका कुछ बोलने के बाद वे लोग फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि चाहते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो, ईमानदार प्रयास हो, व्यवस्था पारदर्शी बने, योग्यता के अनुसार लोगों को अवसर मिले, आरक्षण के नियमों का पालन हो, वह एक गैंग नहीं चाहता था। लेकिन जब सरकार ने इसको लागू किया तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है। ठीक कहा बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि चोर की दाढ़ी में तिनका। वह हम लोगों ने तो एक ही बात कही कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि उनको खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करके अपनी प्रॉपर्टी को जब्त करवाना है कि पारदर्शी ईमानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना है, क्योंकि इस पर प्रदेश की पूरी व्यवस्था टिकी हुई है। याद करिए बेसिक शिक्षा परिषद का हमारा वार्षिक बजट है 53,000 करोड़ रुपए से अधिक का। याद करिए 53,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि हम केवल बेसिक शिक्षा परिषद पे खर्च करते हैं। इतनी बड़ी धनराशि एक वर्ष में खर्च होती है तो आखिर उसका प्रदेशवासियों को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रदेश की 24 करोड़ जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? और लाभ इस रूप में मिलना चाहिए कि हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल भी किसी पब्लिक स्कूल और किसी कॉन्वेंट स्कूल का मुकाबला करते हुए दिखाई दें। और यह महत्तर जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो लोग ये चाहते थे अपने बच्चों को, तो स्वयं या स्वयं भी कोई ऑस्ट्रेलिया भेजता था, कोई इंग्लैंड भेजता है, कोई और जगह भेजता है, और लेकिन गरीब का बच्चा ना पढ़ पाए इसलिए वे सभी स्कूल जर्जर करके छोड़ दिए थे। 1,35,000 विद्यालय बेसिक शिक्षा परिषद के जर्जर है, कोई पुरसाहल नहीं। आखिर सरकार 2017 के पहले भी तो रही होंगी, क्या कर रहे थे लोग? बजट वही खर्च होता था, पैसा खर्च होता था, वेतन भी निकलता था, भवन के नाम पे पैसा जाता था, लेकिन विद्यालय जर्जर है, भवनों में बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं, वो पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ कहीं जमीन पे नहीं दिखता था, विद्यालय के भवनों पे जरूर दिखाई देते थे। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प मार्च 2017 में हम लोगों ने ऑपरेशन कायाकल्प प्रारंभ किया था हर एक विद्यालय के लिए। सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया गया, पुरातन छात्र परिषद का गठन करके सभी बेसिक शिक्षा परिषद से कहा गया कि भाई जितने छात्र हैं वह यूपी के हैं, अगर नौकरशाही में हैं, जनप्रतिनिधि हैं, व्यवसाय में हैं, सब बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं,
मैं स्वयं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल में पढ़ा हूं, तो कैसे हम कह सकते हैं कि कोई इसमें योगदान नहीं देगा। मैंने कहा हर व्यक्ति एक एक विद्यालय गोद ले। लोगों ने कहा गोद लेके क्या करेंगे, तब भी विपक्ष ने उंगली उठाई थी कि गोद लेके क्या करेंगे, क्या विद्यालय गोद ले जाते हैं क्या। मैंने कहा विद्यालय गोद ले जाते हैं, कैसे ले जाते हैं थोड़ा देखना। तब भी उन्होंने हमारी कार्य पद्धति पर प्रश्न किया था, लेकिन आज जब 120,000 से अधिक विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से उनका सुंदरीकरण करके उन्हें स्कूल दिखने लायक स्कूल बना दिया गया, उनकी आंखें अब उसको देख करके भी घबरा रही हैं कि अगर गरीब का बच्चा पढ़ लेगा तो फिर क्या होगा। उनको परेशानी इस बात की है कि उन बच्चों की यूनिफॉर्म, आज सरकार उनको दो दो यूनिफॉर्म देती है, बैग देता है, बुक्स देती है, जूते मोजे उन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं। अब गरीब का बच्चा भी अच्छा जूता मोजा पहनेगा, स्कूल जाएगा, स्कूल स्वेटर दिया जाएगा, जाड़ों में ठिठुरेगा नहीं। उन गरीबों